हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष यादव, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम निर्मल हॉस्पिटल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्स्टिपेशन इन न्यूबॉर्न। यस, कॉन्स्टिपेशन इन न्यूबॉर्न इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट यस केसेस देखते हैं हम। पेरेंट्स रहते हैं जो कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर मेरे बेबी ने 5 दिन से पॉटी नहीं किया है, 7 दिन से पॉटी नहीं किया है, हम बहुत टेंशन में हैं, हम क्या करें। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, क्या साइंस है जो हमको देखना है, एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, तो जो बच्चा मम्मा के मिल्क पे रहता है उसमें हमने ये देखा हुआ, ये क्यों रहता है, बिकॉज जो भी मिल्क रहता है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, बचता ही नहीं है पॉटी के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा बेबी सिर्फ फार्ट करता है एंड पॉटी करता नहीं। सो ये रीज़न है। बॉटल फेड बेबीज या फिर फॉर्मूला फेड बेबीज 1-2 दिन बाद पॉटी कर लेते हैं, लेकिन जो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड में है तो उसमें ये केसेस हमने देखे हैं, उसमें होते हैं, आपको टेंशन लेना नहीं है। अच्छा, कितने दिन तक पॉटी नहीं करे तो चलता है? 10 दिन तक पॉटी नहीं करे तो चलता है। 10 दिन तक भी ना करे तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और क्या साइंस है जो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है? अगर आपका बेबी बहुत परेशान है, पेट सूज गया है, बच्चा कनक रहा है बहुत ज़्यादा, एंड अगर उल्टी करना चालू कर दिया है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो 10 दिन तक तो हम कुछ ट्रीटमेंट देने को नहीं कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बेबी परेशान होता है तो कुछ पेरेंट्स हैं जो हींग लगाते हैं जिससे मोर्टिलिटी बढ़ जाती है, बेबी पॉटी कर देता है। कुछ पेरेंट्स हैं जो पॉटी के एरिया पे थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करते हैं, कैस्टर ऑयल से हो गया या पान के पत्ते से हो गया, तो पॉटी हो जाती है। अगर 10 दिन के बाद भी पॉटी नहीं होती है तो फिर हम वहाँ पे कैप्सूल रखते हैं जिससे पॉटी हो जाती है, बट वो डॉक्टर रखता है, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है। सिंपल मोटिव ये है कि अगर आपका बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है और अगर 8 से 10 दिन तक पॉटी नहीं कर रहा है, एक्टिविटी, हलन चलन सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। क्या कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है? वी एडवाइज एक थायराइड रिपोर्ट हम करा लें अगर बेबी काफ़ी टाइम तक ये रहता है। अगर थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर और कोई टेंशन वाली बात नहीं। थैंक यू पेरेंट्स।